दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैन नज़र। दोस्तों एक तो सावन का महीना चल रहा है, ऊपर से कभी कभी उमस इतनी चल हो रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी में गरीबों की कौन सुनेगा, उन महिलाओं की कौन सुनेगा जो समाज में के मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हैं। उन महिलाओं का अगर आप सुनेंगे तो आपका भगवान सुनेगा, और यही वजह है अन्न दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, रेडीमेड खाना। दुर्बार महिला समिति की सदस्याएं भी यहां पर हैं, और बहुत सारी महिलाएं जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हैं, उन लोगों की सोच कर मारवाड़ी महिला समिति और नारी सशक्तिकरण की तरफ से आप देखिए कि ये देखिए रोटी है, सब्जी है, अचार है, और साथ में देखिए मिठाई भी है, लड्डू है। ये है कि एक महिला ही महिला का दर्द जो है वो जान सकती है। इतनी गर्मी पड़ रही है उसमें मैंने बार बार कहा कि तुम हमारी सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। और देखिए समाज सेविका रेखा शर्मा जी को देखिए कि किस प्रकार से रोटी एंड व्हील से इन्होंने व्यवस्था करवाई है अपने संस्था के द्वारा, कि यहाँ पर दुर्बार महिला समिति के अंतर्गत बहुत सारी यहाँ पर लोकल महिलाओं को रोटी, सब्जी, अचार और मिठाई मिल रहा है। हम लोग विशाखा जी से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले रेखा जी से पूछेंगे। रेखा जी, रोटी सब्जी मिठाई दिया जा रहा है। कहा जाता है कि हम लोग भगवान के दरबार में जब जाते हैं और भगवान पर जब फल फूल मिठाई चढ़ाते हैं तो वो तो फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, लेकिन इन्हें खिलाकर आत्मसंतोष मिलता है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये हम लोग का छठा दिन है। आज हम लोग 13 तारीख से लेकर आज तक रोज़ 111 केजी दूध और 50 किलो चीनी का वितरण कर रहे हैं, वो इसीलिए। और मैं सबसे पहले एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रही। मैं ये बात नहीं बोल रही कि हम महिलाएं शिव जी पर दूध न चढ़ाएं। मेरा मानना है कि एक छोटी सी कटोरी में अगर शिव जी पर दूध चढ़ा देते हैं और जो दूध हम लोग ऐसे डालते हैं वो अगर इन बच्चों के मुख में जाता तो कोई ख़राब बात नहीं है। जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में बोलते हैं, गणेश जी एक बार एक चम्मच में थोड़ा सा दूध और चूटी में चावल लेके जा रहे थे और एक बुढ़िया को बोलते हैं खीर बना, वो बुढ़िया बोलती है अरे इतना सा दूध में क्या होगा, तो गणेश जी कहते हैं कि इसको तुम टोप में तो डाल। जैसे वो टोपिया में डालती है टोपिया भर जाता है और वैसे ही चावल भर जाता है। तो वही चीज़ है मेरा कहना कि अगर हम लोग थोड़ा सा, आज हम लोग का छठा दिन है, रोज़ हम लोग दूध और कल भी फिर दूध का होगा। इस वक्त आज मैंने खाना का व्यवस्था किया है जहाँ ये दुर्बार के सोनागाछी एरिया में, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हमारी विशाखा जी हैं, पुतुल जी जो सेक्रेटरी हैं, मेरी कोषा अध्यक्ष मारवाड़ी महिला समिति की हैं, अनु अग्रवाल सचिव हैं, और पिंकी जी भी हैं कोषा अध्यक्ष में ही हैं। मेरा नारी सशक्तिकरण, मेरा मारवाड़ी महिला समिति, और मैं CCI लॉजिस्टिक की चेयरपर्सन, उसी के तहत थोड़ा सा सोशल अपनी बहनों के लिए बहुत ही तुच्छ। आप देख सकते हैं थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो रखी है, पर ठीक है, हम लोग का काम चल रहा है, हम लोग आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। धन्यवाद। रोकूंगा रेखा जी, लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई हैं, और देखिए मैंने पहले भी कहा कि सावन के महीने में अगर इस प्रकार का सेवा किया जाए तो लगती है उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आता कि महीना कौन सा चल रहा है, और उस वक्त महिला सशक्तिकरण की तरफ से, मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से, CCI लॉजिस्टिक की तरफ से, ये जो लोग आज यहाँ पर इतना अच्छा सेवा कर रहा है। विशाखा दी हमारे साथ दुर्बार महिला समिति की हैं, क्या क्या कहेंगी दीदी? दुर्बार का प्रेसिडेंट हूँ, तो आज 6 दिन से प्रोग्राम चल रहा है नारी मारवाड़ी जो महिला समिति का, और दुर्बार जौन कर्मी का संगठन जो महिला समिति, दोनों एक साथ मिल के एक कार्यक्रम बना रहा है 6 दिन से। आज रोटी सब्जी लड्डू अचार सब बटाया जा रहा, 5 दिन हम लोग दूध बटाया है एक साथ मिल के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रेखा जी से बातचीत मेरे को हुआ, बहुत दिन से बातचीत हो रहा था, तो बोला दीदी श्रावण तो आने वाला है तो एक काम कीजिए, एक प्रोग्राम आप कीजिए, हम उधर जाएंगे प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो दीदी किनका साथ आप करना चाहते हैं? तो बच्चा लोग का साथ, और जो महिला एकदम पूरा दुस्त है उनको देना चाहते हैं, मेरा तरफ से, मेरा महिला समिति का तरफ से कुछ देना चाहते। तो बहुत बहुत धन्यवाद है रेखा दीदी, रेखा दीदी का जो पूल टीम है, अन्नू दीदी है, दीदी प्रसाद दक्को है, सबको उमा दीदी है, सब दीदी मिल के हम लोग सब देखिए, जौनकर्मी बहन लोग भी है, पूरा मेरा दुर्बार का जो स्टाफ है सोनागाछी में, सब मिल के जो काम कर रहा है सबको मेरा तरफ से धन्यवाद है, बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा। आज दीदी लोग का जो खाना मिल रहा,
दीदी लोग भी खुश है। बोल रहे हैं वो लोग रेखा शर्मा जी को कि कितना अच्छा उन्होंने ये प्रकल्प लिया है। मैं आपको रोटी पहले दिखाऊं। यहाँ पर आटा का कम से कम 800 यहाँ पर रोटी एक बार में यहाँ बन जाती है। और देखिए ये इस मशीन में वहाँ पर आटा का जो लोई होता है उसे वो लोग उसमें डालते हैं और कितनी सुंदर सुंदर रोटियाँ निकल रही हैं, वो फूल कर निकलती हैं, एक प्रोसेस होता है। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि समाज सेविका रेखा शर्मा ने कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ की है कि आज यौन कर्मियों के बीच में इतना अच्छा रेडीमेड जो खाने का वितरण किया जा रहा है वो हम लोगों ने आपको दिखाया। लेकिन उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे कि ये देखिए रोटी का प्रोसेस, ये रोटी इन व्हील्स है, ये कितनी अच्छी अच्छी रोटियाँ, ये देखिए विनोद जैन दिखा रहे हैं हम लोग को कितनी अच्छी रोटियाँ निकल रही है। ये एक प्रोसेस है, एक मशीन है जिसमें लोई जो होता है वो सीधे ऊपर में डाल दिया जाता है और वहाँ उससे बनकर रोटियाँ जो हैं वो कैसे आती हैं वो देखिए आपके स्क्रीन पर। ये देखिए कितने आसानी से रोटी इसमें आकर गिर जाती है और अच्छी खासी भीड़ जुटी हुई है। देखिए दिल की बात है, हर चीज़ में ऐसा लगता है कि जैसे हम रोटी खा रहे हैं। और मैं मेरी बहनों को मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि इनको का, और न ही मैं ये बोलूँगी कि दान का है, ये इनका हक बनता है। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि हर साल, ये मेरा हर साल का, 2020 में भी मैंने किया, 21 में भी किया और अभी भी कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। भगवान से यही दुआ है कि सभी को, मैंने बार बार यही बोला कि जो हम लोग इतना दूध डालते हैं, डालो शिव जी पर, एक बर्तन रख लो, उसी दूध को हम लोग इन बच्चों में वितरण करें। मेरा ये कहना है कि मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं करती किसी को कि आप मत डालिए या मत ये कीजिए। मैं भी आज पूजा करके आई, थोड़ा सा दूध भगवान पर डाला और 111 केजी आज हम लोग कर रहे हैं। आज मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, आप लोग देख रहे हैं सारा का सारा, और इन पर हंसी देखते हुए बनती है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं, ईश्वर की कृपा से थोड़ी तो हंसी हम देख पाए, एक दिन तो इनका पेट भर पाए, एक दिन तो इनके बच्चों को दूध और चीनी का वितरण कर पाए। कल भी आप आइएगा, कल हमारा लास्ट डे है यहाँ, 7 डे, कल हम लोग फिर से 111 केजी दूध और चीनी का वितरण करेंगे। ये हमारी अध्यक्षा जो हैं रेखा शर्मा जी, इनकी सोच है, पीछे पीछे हम लोग हैं, ये खाली बस सोचती हैं और उसको पूरा करने का कोशिश करती हैं, जिसके कारण सब भूखों को भोजन मिल रहा है, दूध मिल रहा है, चीनी मिल रहा है, सब कुछ उनके मतलब ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ दिया जा रहा है। मेरा भी यही मानना है कि जो रेखा जी कर रही है, हम लोग को भी बहुत अंदर से कष्ट आ रहा है, अभी करके इतना हम लोग भी पेड़ित हो रहे कि आगे चल के हम लोग और करें और करें और करें। ये जो रोटी जो बनाने का प्रोसेस है, कितना आटा में कितनी रोटियां बनती हैं बताइए। ये जैसे आपका अगर 400 आदमी को खाना खिलाना पड़ेगा तो 40 किलो आटा का हिसाब होता है और घंटे में 800 रोटी निकलती है। सीधा लोई डाल देते हैं और निकल जाती है। हाँ, पहले इसका प्रोसेस ये है, पहले आटा गूंदना पड़ता है टप में, फिर उसके बाद मशीन से ही होता है, फिर उसके बाद वो लोहा बना बना करके काट काट के उसके अंदर डाला जाता है, वो अपने लोहा निकलता है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा रेखा जी का काम, इसलिए हम लोग भी साथ दे रहे हैं, सब अनु है, हम लोग सब एक साथ दे रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा यौन कर्मियों को ये अन्न दिया जा रहा है, इससे पता चलता है कि इनमें समाज सेवा का की कितनी भावना है और ये भावना से कितना ओतप्रोत है। दोस्तों आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पहली नज़र। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।